ये सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? तो गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। सिर्फ आधा घंटा बचा है, आधे घंटे के बाद शुरू होगी मतगणना। गुजरात हिमाचल की कुल 250 सीटों का रिजल्ट आज आना है। तो आज का दिन बेहद अहम, और आज के दिन आपको लगातार बने रहना है जी न्यूज के साथ, क्योंकि गुजरात और हिमाचल की कुल 250 सीटों के नतीजे आप देखेंगे जी न्यूज पर। एक एक सीट का हिसाब आपको सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से मिलेगा जी न्यूज पर। तो 250 सीटें तो गुजरात और हिमाचल की जोड़ दीजिए, और आज ही उपचुनाव के नतीजे भी घोषित होने वाले हैं। इन उपचुनावों में सबसे खास है मैनपुरी की लोकसभा सीट, और इसके साथ साथ रामपुर और खतौली, इन विधानसभा सीटों के नतीजे भी आज ही घोषित होने वाले हैं। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा उपचुनाव। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5 राज्य, 6 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए, उनका परिणाम भी आज ही आएगा। इसके साथ साथ मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी आज ही मतगणना होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट, इसके अलावा रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटें, और इसके अलावा 4 और राज्यों की एक एक विधानसभा सीट पर आज ही नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। तो वहां के जो दर्शक हैं वो भी लगातार टकटकी लगाए हुए हैं और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गुजरात से हमारे साथ विशाल पांडे हैं और अमित भारद्वाज हिमाचल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करेंगे। अब से कुछ देर पहले जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की हार्दिक पटेल से, और जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनका कहना है कि आप चिंता मत कीजिए, 125 या 150 के ऊपर बीजेपी यहां जा रही है। अब देखिए आदित्य, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस हार्दिक पटेल का नहीं है बल्कि पूरी बीजेपी का है, और इस विश्वास के पीछे अगर कोई एक चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्योंकि गुजरात के चुनाव में बीजेपी चुनाव जरूर लड़ी है, लेकिन यहाँ पर हर किसी ने मोदी के नाम पर वोट मांगा है। जनता से जब आप पूछिए आप किसके साथ जा रहे हैं, तो वो बीजेपी का नाम नहीं मोदी का नाम लेते हैं। तो मोदी का मैजिक इतना ज्यादा है, मोदी का लगाव गुजरात की जनता के साथ इतना ज्यादा है कि हार्दिक पटेल ही क्या, जो और भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं उनके मन में भी कुछ इसी तरह का विश्वास होगा। हालांकि अगर 17 के चुनाव के नतीजे देखे आदिति, तो बीजेपी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहे थे, लेकिन उन समीकरणों को भी 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने यहां पर सही कर लिया था। क्योंकि जो पाटीदार आंदोलन बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बना था, उस पाटीदार समाज के जो बड़े नेता थे हार्दिक पटेल, वो बीजेपी के साथ आए। उनका जो आरक्षण से संबंधित मुद्दा था उसको बीजेपी ने यहां पर सुलझाया, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो 10% का आरक्षण था, क्योंकि यहां का जो पाटीदार समाज है वो सवर्ण कोटे में आता है। तो बीजेपी ने हर एक उस चीज को 22 के चुनाव से पहले सुधारने की कोशिश की थी, जिसका उसे नुकसान 2017 के चुनाव में हुआ था। और इन सब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रैलियां की, रोड शो किया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी चुनावी कमान को गुजरात में संभाल कर रखा, रणनीति से लेकर जो पूरी प्लानिंग थी सब चीजों को लेकर, इसीलिए दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण। विशाल, जिनकी तरफ आप बात कर रहे हैं, एक तो रणनीति, पुरानी खामियों को पाटना, और दूसरा फिर एग्जीक्यूशन, चुनाव प्रचार का खास तौर से मुद्दों को लपकना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अश्विन पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विन, एक बार आपके पीछे हम काउंटिंग सेंटर देख रहे हैं, तैयारियां जरा दिखा दीजिए फटाफट। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तैयारी दिखाता हूँ। काउंटिंग सेंटर पर सभी जो उम्मीदवार हैं उनके आने की शुरुआत हो चुकी है, और अंदर ये जो गेट आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका नाम पहले से दिया है, साथ ही फ़ोन लेकर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सभी जो उम्मीदवार हैं पहुँचे। देखिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं विरमगाम से, वो इस वक्त यहाँ पहुँचे, हमने इनसे बातचीत की। इनका कहना है कि वो हार्दिक पटेल को जो है चुनावी नेता ही मानते हैं। इनका कहना, हार्दिक पटेल सिर्फ चुनाव के दौरान जो है आते हैं और इसके बाद वो दिखाई नहीं देते, और इन्होंने पिछले 10 सालों से लगातार कांग्रेस के विधायक के तौर पर वहाँ काम किया है, इसलिए जनता इन्हें चुनकर लाएगी।
तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 8 बजने के साथ ही काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तैयारियां पूरी है और हमारे साथ अमित भारद्वाज भी जुड़े हैं हिमाचल से। अमित, देखिए गुजरात में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मोदी फैक्टर की, लेकिन हिमाचल में भी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वहां पर भी पेश किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिमाचल से अपने कनेक्ट को बनाए रखा पूरे चुनावी प्रचार के दौरान। बिल्कुल सही कह रही हैं अदिति आप। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हिमाचल की अगर हम बात करें और पंजाब की बात करें, बड़ा लंबे समय उन्होंने यहाँ पर काम किया है और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अगर भाजपा को जो है वो यहाँ पर जीत मिलती है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर होगा, क्योंकि जब हमारी बात हो रही थी लोगों से, चाहे वो लोअर हिमाचल हो चाहे वो अपर हिमाचल हो, तो उन्होंने यही बात कही थी कि मोदी बहुत अच्छे हैं लेकिन हम जो लोकल लीडरशिप है वो हमें इतना संतुष्ट नहीं कर पाई है, इसीलिए शायद कांग्रेस को एज मिला है यहाँ पर। कि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कल जो है वो बड़ा दावे कर रहे थे कि हमारी वो आश्वस्त थे कि हमारी जीत होगी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस लीडर्स की बात करें तो वो भी कह रहे थे कि हमारी जीत होगी, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर। मैं आपको बता दूं कि कहीं भी जो है वो जो है वो ये चुनाव जा सकता है। और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बागी थे चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेंगे। अगर इस समय चुनाव में जो है सीटें फंसती है, मतलब अगर बराबर बराबर कहीं जो आसपास एक दूसरे को सीटें मिलती हैं, तो वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो छोटे से छोटे नेता भी हैं भाजपा के, वो भी लगे हुए थे कि जो जो नाराज़ हैं कैंडिडेट उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। हालांकि जो जेपी नड्डा है वो कह रहे थे कि नहीं, हमसे कोई नाराज नहीं है, कोशिशें तो हुई थी मनाने की, लेकिन कोशिशों में कितने कामयाब हुए और जनता को मनाने में कितने कामयाब हुए, इसके नतीजों का दिन है। कुछ ही मिनट के बाद पहला रुझान, सबसे पहले जी न्यूज पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं और वो एक्सपर्ट जो हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, कई चुनाव जिनकी आंखों के सामने से गुजरे हैं। इस वक्त हमारे साथ निखिल मद्रासी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त आरती टिक्कू जी हैं, आरती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजकुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सभी वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मद्रासी जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि सर आपका सिर्फ नाम मद्रासी है, मूल गुजराती है, तो गुजरात के जो लोग हैं वो आज इस उम्मीद में बैठे हैं कि इससे पहले के रुझान आए, आप क्या बताएंगे, जमीन क्या कहती है? गुजरात की परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल से शासन किया है और ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। ये मोरबी फैक्टर काम करेगा क्या? मोरबी फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, मोरबी फैक्टर सिर्फ मोरबी के लिए मर्यादित होगा और इसकी कोई असर पूरे गुजरात के राजकारण पे नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ा है। अच्छा प्रदीप कौशल साहब, क्या इस बार जो प्रधानमंत्री का मैजिक है, जैसा कि विशाल बता रहे थे अभी जमीन से, कि उनके नाम के आगे फिर ये बताना नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी के कैंडिडेट हैं? देखिए मोदी फैक्टर जो है वो गुजरात के पूरे चुनाव को निर्णायक तौर पर प्रभावित करेगा। मोदी ने रोड शो किए, सर्वाधिक रैलियां की, 34 रैलियां की हैं गुजरात में, तो मोदी का प्रचार जो है वो पूरा का पूरा अपना जादू दिखाएगा। जी बिल्कुल। और आरती टिक्कू जी, एक जो बात गुजरात में कही जा रही है कि नहीं डंके की चोट पे आ रहे हैं, हार्दिक पटेल कह रहे हैं, आपने सुना कि 150 सीटें लेके आ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्या इसके पीछे कोई अलग वजह है? देखिए हिमाचल का पिछला इलेक्शन भी जो हमने देखा एक क्लोज कॉन्टेस्ट ही था और अभी भी मुझे लगता है कि उसी तरह के नतीजे आएंगे और बेशक की प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अपना प्रभाव दिखाएगी हिमाचल में भी दिखाएगी, लेकिन हिमाचल के कई सारे इश्यूज है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट दिखाई देगा, दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो ठाकुर्स के का जो इमेज दिखाई दिया कुछ टाइम से, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को उनके विपरीत एक सेंटिमेंट था कहीं ना कहीं हिमाचल में, वो हमने देखा ग्राउंड पे। जी
और प्रदीप कौशल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल साहब, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो मोदी सबसे बड़ा चेहरा वहां माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से भी अपने जो जुड़ाव को प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव के प्रचार के दौरान एकदम बनाए रखा, उस पर जो है उसको इनकैश करने की यहां पर कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन हिमाचल में इतना आसान नहीं होगा मुकाबला। देखिए, चुनाव तो चुनाव है, कुछ भी आसान होता नहीं, लेकिन अगर आप हिमाचल को देखें तो ये सही बात है कि हर जो इशू है उससे चुनाव प्रभावित होता है, तो मोदी मैजिक तो काम करेगा ही, क्योंकि हिमाचल के साथ उनका सीधा जुड़ाव रहा है, वो प्रभारी रहे हैं केंद्रीय भाजपा के प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रदेश के अपने विषय हैं वो भी हैं। और एक और बात इस चुनाव में जो विशेष दिखाई दे रही है वो ये है कि महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए तीनों मुख्य दल जो चुनाव में हैं उन्होंने विशेष प्रयास किया है। भाजपा ने तो एक विशेष मैनिफेस्टो जारी किया है महिलाओं के लिए, 33% उन्होंने आरक्षण का वादा किया है महिलाओं से सरकारी नौकरियों में, और कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 1500 रुपये हर महीना देगी 18 बरस से ऊपर की हर महिला को, और आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये देने का वादा किया है। बिल्कुल, इसके अलावा इन वादों पर जनता तो अब अपना वोट दे चुकी है, अब ये देखना है कि नतीजे आते हैं और किसने कितना लुभा लिया, किसकी कितनी बात मान ली है जनता ने, क्योंकि वादे तो सबके बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, एग्जीक्यूशन पे सवाल है। राजकुमार सिंह साहब, कुछ ही देर के बाद रुझान आएंगे, बहुत तेजी के साथ उस डेटा की तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों राज्यों में आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, गुजरात में कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ दिलचस्पी का विषय यह है कि कांग्रेस की सीटें कितनी घटती हैं और आप कितना गेन करती है, और गुजरात में न कोई मुद्दा है न कोई और सवाल है सिवाय मोदी के, मोदी का मैजिक है, और मेरा अपना आकलन है कि इस चुनाव में वो मैजिक अपने चरम पर होगा गुजरात के पिछले चुनावों के मुकाबले देखें तो। दूसरा हिमाचल का यहाँ तक सवाल है, हिमाचल में एक बात अभी कह सकते हैं काउंटिंग शुरू होने से पहले कि ये चुनाव पिछले चुनाव जैसा नहीं होगा, जहाँ सीटों में फासला भाजपा का 44 था, कांग्रेस 22 पर सिमट गई थी, मुकाबला नज़दीकी है, लेकिन अगर सत्ता विरोधी भावना या बाकी चीज़ों को, बगावत को काउंटर करते हुए बीजेपी सत्ता के नज़दीक पहुँचती है तो इसका श्रेय भी सिर्फ और सिर्फ मोदी को जाएगा, कि वहाँ स्थानीय नेताओं से नाराजगी, मतदाताओं की निराशा अपनी जगह कायम है। जी, राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम मेहमानों से अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है, एक एक कर एक एक सीट का हर रुझान सबसे पहले जी न्यूज पर आप देखेंगे, घड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, कुछ ही मिनटों के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू होगी, और मतगणना के शुरू होते ही ये साफ हो जाएगा कि गुजरात और हिमाचल में अब की बार किसकी सरकार, जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स जो जी न्यूज ने लगातार आपको दिखाई, उन सब का आज पटाक्षेप होना है, सिर्फ थोड़ी देर का वक्त बचा है और मतगणना शुरू होगी। गुजरात हिमाचल की कुल 250 सीटों का रिजल्ट अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद जी न्यूज पर सबसे पहले। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।